हाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 13 पढ़ाएंगे। तो आइए यहाँ से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। पी तथा क्यू ने किसी कार्य को करने का 7200 रुपए का ठेका लिया। पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। आर की सहायता से उन्होंने यह कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। आर का हिस्सा रुपए में क्या है? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि पी उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है। यहाँ कह रहा है क्यू उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में कर लेता है। कह रहा है कि यदि तीनों मिल जाए, कह रहा है आर की सहायता से पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं? कह रहा है कि 5 दिन में कार्य कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से तीनों का एलसीएम लीजिए, 20, 12 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 60। ये क्या हो गया? टोटल वर्क कैसे आया? एलसीएम लेने पर यहाँ से देखिए, पी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। यहाँ से देखिए, 60 में 20 से भाग देके 3 आ गया। यहाँ से देखिए, क्यू 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा। यहाँ से भाग दे दीजिए। यहाँ से पी क्यू आर मिलकर 5 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ से कह रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 12 है। तो यहाँ से देखिए, पी प्लस क्यू यहाँ से रख लीजिए, पी का कितना है? 3 है, क्यू का 5 है, तो दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस आर इज इक्वल टू 12, तो आर इज इक्वल टू 12 माइनस 8, तो आर इज इक्वल टू 4। आर की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 4 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तीनों की हम क्षमताओं का अनुपात बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर P रेशियो Q रेशियो R है, तो यहाँ से इनकी क्षमता है, ये कितनी क्षमता है? यहाँ से देखिए, इसकी क्षमता 3 है P की, Q की क्षमता 5 है, यहाँ से R की क्षमता निकालने हैं, कितनी है? 4 है। तो देखिए, यहाँ से पूछ रहा है कि R का हिस्सा कितना होगा? ये देखिए, R का हिस्सा कितना होगा? R का हिस्सा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और तीनों को जोड़ लीजिए और भाग दे दीजिए। देखिए, 3 और 5 8, 8 4 12, और कितना रुपए हैं? टोटल रुपए 7200 है, तो आर का हिस्सा निकल जाएगा यहाँ से 12 6 72, यहाँ से देखिए 6 4 24 और A00 यहाँ लगा लीजिए, 2400 रुपए। आर का हिस्सा कितना होगा? 2400 रुपए। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 112 है। टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा काम करता है। यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं, तो एस अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न में कह रहा है कि एस और टी का रेशियो हम निकाल लेते हैं। कह रहा है कि टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस, तो देखिए, अगर टी जो है कोई काम 7 में करता है, तो उसका 1/7 समय में कौन कर रहा है? एस कर रहा है। ये क्या हो गया? समय हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि समय टी हो गया ये। अब देखिए, आगे कह रहा है कि जो वर्क कर रहा है, जो काम हो रहा है, वो कितना हो रहा है? काम कर रहा है कि अगर टी 2 गुना काम करता है, तो उसका आधा काम कौन करता है? एस उसका आधा काम करता है। अगर ये 2 काम करता है, तो 1 काम करेगा ये। ये देखिए, दोनों रेशियो, तो यहां से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो क्षमता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
क्या होता है डब्ल्यू बाई टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यहां से देखिए वर्ग कितना है, एक बटे एक करिए कितना आ गया, एक आ गया। यहां से दो बटे सात हो जाएगा, इससे वर्ग कितना है टू है सेवन है, तो दो बटे सात। तो इसका यहां से देखिए, यहां से जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सात रेशियो टू हो जाएगा। अब देखिए यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल वर्क यहां पर एस कितना का, एस की एक दिन की कार्य करने की क्षमता सात है और टी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता दो है। तो यहां पर देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सेवन प्लस टू, यहां दोनों की इफिशियंसी को जोड़ लीजिए और कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 21 दिन तक। यहां देखिए कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड विथ 21, यहां पर हो जाएगा 189। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि एस उस कार्य को कितने दिन में अकेला कर लेगा, तो देखिए एस की कार्य करने की क्षमता कितनी है, सात। तो यहां सात से भाग दे दीजिए, देखिए सात से भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए सात से भाग दे रहे होंगे, कितना होगा 27 दिन। एस कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, 27 दिन में। यही आपका आंसर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन टू करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 113 है। पी क्यू तथा आर एक कार्य को क्रमशः 12 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि पी कितने दिन में कर ले रहा है काम को, 12 दिन में, और क्यू कितने दिन में कर ले रहा है, 15 दिन में, और यहां पर आर कितने दिन में कर पा रहा है वही काम 20 दिन में। ये देखिए तीनों का एलसीएम लीजिए, यहां से देखिए 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60 होगा। ये क्या है, टोटल वर्क है। कैसे आया एलसीएम लेने पर, यहाँ पर देखिए पी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर इसकी क्षमता हो गई, एक दिन की कार्य करने की क्षमता हो गई पी की। यहाँ पर देखिए क्यू 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग दे दीजिए यहाँ पर, 4 काम करेगा। देखिए आर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे, ये देखिए तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, पूरा कार्य कितना है 60 है, और तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 3 12, तो यहां से भाग दे दीजिए तो 12 25 60, तीनों मिलकर 5 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। यहां पर आपका ऑप्शन टू करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 114 है। एक्स एक कार्य को 5/7/10 दिन में कर सकता है तथा वाई उसी कार्य का 3/4/9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य का 13/21 कितने दिन में करेंगे। ये तो देखिए यहाँ पर एक्स कितने दिन में, कार्य का कितना भाग है, 5/7 कितने दिन में कर रहा है, यहाँ से देखिए 5/7/10 दिन में कर लेता है। तो देखिए एक्स कार्य का एक भाग कितने दिन में कर लेगा, तो यहाँ पर देखिए 10 ले जाइए उधर, मल्टीप्लाई करिए और 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 5 × 10 कितना आ गया, 14 दिन। एक्स वह कार्य कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, और कह रहा है कि वाई कह रहा है कि 3/4 कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। यहाँ पर देखिए वाई कार्य का एक भाग कितने दिन में करेगा, यहाँ से 9×4/3, यहाँ से 3 × 9, यहाँ 3 × 4 12 दिन में। वाई कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या करिए, यहाँ पर एक्स कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में, और वाई कितने दिन में कर रहा है, वाई कर रहा है 12 दिन में। तो देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 14 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 84। ये क्या है, टोटल वर्क है।
कैसे आया एलसीएम लेने पर, किसका 14 और 12 का एलसीएम लेंगे 84 होगा। ये देखिए एक्स 14 दिन में 84 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। यहाँ 84 में 14 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखिए वाई 12 दिन में 84 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। यहाँ 12 से 84, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि वे दोनों मिलकर कार्य का 13/21 भाग कितने दिन में करेंगे। ये देखिए टोटल कार्य कितना है, 84 है और दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों की क्षमताओं का योग देखिए 6 + 7 = 13 और कार्य का कितना भाग कर रहे हैं, कार्य का 13/21 भाग। तो देखिए यहां से कैंसिल करिए 13 से 13 = 21 = 84 कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में उस कार्य को कर लेंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 115 है, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है, यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दिया गया है T1 = T2 D2। तो देखिए यहाँ पर T1 क्या है, टाइम है, कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को कितने दिन में पढ़ लेता है, 16 दिन में। और यहाँ पर कह रहा है कि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो कितने घंटे में वह उसे पढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ में से T2 का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 8 × 16 8 × 24, तो देखिए यहाँ से 3 × 9, यहाँ पे बच गया T2 = 3 × 2 T2 = 6 घंटे। यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 116 है, 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि 18 पुरुष मीन्स 18 मेल इज इक्वल टू, यहाँ पर कह रहा है कि 25 बॉयज, यहाँ पर यह माने होता है इक्वल टू, कह रहा है कि 18 पुरुष इज इक्वल टू 25 लड़के। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि 36 पुरुष 36 मैन प्लस 10 बॉयज कह रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में। तो देखिए पहले हम यहाँ से इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में यहाँ पर देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 एम इज इक्वल टू 50 बी। तो देखिए यहाँ पर 36 एम की जगह क्या लिख सकते हैं, 50 बी प्लस 10 बॉयज इज इक्वल टू 60 बॉयज। अब देखिए यहाँ से हम M1 D1 = M2 D2 का यूज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में कह रहा है कि कितने लड़के हैं, कह रहा है कि 25 लड़के, यहाँ पर 25 बॉयज कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 25 दिन तक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि 60 लड़के, यहाँ पर 60 भी कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए D2 का मान कितना है, कितने दिन में कर लेंगे, मीन्स यहाँ पर D2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से B से B कैंसिल करिए और यहाँ से देखिए यहाँ से भाग देंगे तो D2 = 25 × 25/60। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 5 × 25 = 12 × 25 = 60। तो यहाँ से देखिए 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे
125 बटे 12 यहाँ पर कितना दिन होगा, 125 बटे 12 दिन, यहाँ पर आपका ऑप्शन टू करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 117 है, एक्स तथा वाई एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जेड तथा एक्स उसी कार्य को 15/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक्स और वाई मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में कह रहा है कि फिर आगे वाई और जेड मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, जेड प्लस एक्स मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर लेंगे, 15/2 दिन में, मीन्स 7.5 दिन में। तो देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, यहाँ पर देखिए तीनों का एलसीएम लीजिए, तो यहाँ से देखिए 5, 6 और 15 का एलसीएम लेना है, जो यहाँ पर डिवीजन में है उसका एलसीएम नहीं लेंगे, तो किसका लेंगे, 5, 6 और 15 का, 5, 6, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, या क्या हो गया, टोटल वर्क कैसे आया एलसीएम लेने पर। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई 5 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करना है। देखिए x और z y और z मिलकर 6 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यहाँ से देखिए z प्लस एक्स, एक्स 15/2 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे कैसे हो जाएगा, देखिए 30/15/2, तो देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार गया, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दिन में। यहाँ पर एक्स प्लस जेड कितने दिन, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सभी को यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये देखिए 2 बार रिपीटेड है, यहाँ पर देखिए एक्स भी 2 बार आया है, तो 2 कॉमन कर लिए, और वाई भी 2 बार आया है और जेड भी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए कितना होगा, यहाँ पर देखिए 6, 5, 11, 11, 4, 15, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15/2, तो यहाँ से कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर पूरा कार्य कितना है, 15/2, अब तीनों की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 15/2, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30/2/15, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, 15 × 30, 2 × 4, 4 दिन लगेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 118 है, 20 लड़के एक कार्य का एक चौथाई 25 दिन में पूरा करते हैं, शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए और कितने लड़के चाहिए। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फार्मूले का प्रयोग करने जा रहे हैं, M1D1/W1=M2D2/W2, तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि 20 लड़के एक कार्य का चौथाई कितने दिन में करते हैं। देखिए तो यहाँ पर 1/4 कार्य किसने कर लिए, 20 लड़के ने कर लिए, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य हो जाएगा एक, देखिए पूरा कार्य एक होता है, एक में से इतना घटा दीजिए, 1 − 1/4, तो यहाँ से 4 − 1/4, 3/4, शेष कार्य कितना हो गया, 3/4 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू रखिए, कह रहा है कि 20 लड़के कितने दिन तक काम करते हैं, 25 दिन तक, कितना कार्य करते हैं, 1/4 काम करते हैं, चौथाई मीन्स 1/4, और यहाँ से देखिए M2 यहाँ से कर आए कि कितने कर आए कि पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़के चाहिए, कितने और लड़के चाहिए, पहले देखिए 20 लड़के चाहिए थे,
अब काम को करने के लिए कितने अधिक लड़के पूछ रहा है, तो माना इससे x ज्यादा आदमी चाहिए, तो यहाँ से 20 प्लस एक्स, देखिए x ज्यादा चाहिए, तो कितने दिन तक कह रहा है कि यहाँ पर कार्य वह कितने दिन में हो जाना चाहिए, 50 दिन में, और कार्य का कितना भाग होगा, 3/4। ये देखिए यहाँ पर चार चार डिवीजन में है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से देखिए 25 × 50, यहां से देखिए यहां से हो जाएगा 10, यहां से बच गया 20 + x = 3 और 10, तो यहां से x = 30 - 20, तो x = 10, 10 लड़के चाहिए, बॉय चाहिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 119 है, किसी दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है, यदि दोनों मिलकर वे उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो वाई अकेले उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, ये परसेंट में मैंने पढ़ा दिया है, वहां पर आप जाके अपना कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेशियो बनाइए, एक्स और वाई का रेशियो है, यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है, तो माना देखिए वाई अगर 5 यूनिट समय लेता है, तो यहाँ पर एक्स कितना लेगा, कह रहा है कि जब अधिक कर रहा है तो ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया, कितना हो गया, समय का अनुपात हो गया। तो देखिए हम जब इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात क्या होगा, यहाँ क्षमता लिख देते हैं, यहाँ मैं बार बार इफिशियंसी लिखता हूँ या क्षमता ही, तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो देखिए यहाँ पर जब क्षमता निकाल रहे हैं तो ये जो समय है ये पलट जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा अनुपात, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि प्रश्न में यहाँ पर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, या एक घंटे की कार्य करने की क्षमता 5 है, इसकी एक घंटे की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 6 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए टोटल वर्क दोनों को जोड़ लीजिए, 5 + 6, और दिया गया कितने दिन तक, उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ 30 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 11 × 30। अब कह रहा है देखिए आगे कह रहा है कि वाई अकेले उस कार्य को कितना पूरा करेगा, कितने दिन में, तो देखिए यह पूरा कार्य हो गया, तो वाई का देखिए यहाँ पर क्षमता कितनी है, 6 है, तो भाग दे दीजिए, बस यहाँ पर 6 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 × 30, यहाँ से 11 × 55, वाई अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 55 दिन में पूरा कर लेगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 120 है, x एक कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है, तथा वाई उसी कार्य को x से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक कार्य को मिलकर एक दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि x कितने दिन में कर लेता है, x 27 दिन में उसी कार्य कर लेता है, और y कितने दिन में कर लेता है, कह रहा है कि y उसी कार्य के x से आधे दिन पर, देखिए यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 27/2 दिन, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिए, देखिए 27 और 27 का एलसीएम लेंगे, जो डिवीजन में है उसका एलसीएम नहीं लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 27, या क्या है, टोटल वर्क है, कैसे आता है एलसीएम लेने पर, तो यहाँ से देखिए एक्स 27 दिन में 27 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, यहाँ से देखिए 27/2 है, 27/2 दिन, वाई 27/2 दिन में 27 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से देखिए ऐसे भाग देंगे 27 में 27/2 से, यहाँ से
एक कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा दो, यहाँ पर आ गया दो। तो इसकी वाई की एक दिन की कार्य करने की क्षमता दो है, तो कह रहा दोनों मिलकर, देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ पर देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है, जोड़ लीजिए तीन है, एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, तीन है, और टोटल वर्क कितना है, सत्ताईस है, यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा तीन त्रिका नौ, एक बटे नौ दिन में, सॉरी एक बटे नौ भाग भाग पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन वन करेक्ट है। ये दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस।